Class sixth subject to science. Our topic is food. Where does it come from? And this is Shakutamudbat Teacher zone Kangan District Honorable. So students, let us read today about the food and होम वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल शावकत शान लर्निंग हब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो हम गुजा खाते हैं या कि हम क्या खाते हैं वी इट हम क्या खाते हैं जाहिर सी बात है आपका होगी

आप नोटिस करोगे कि कौन कौन सी गुजाएं इतना ही नहीं आप बहुत सारी गुजाएं खाते हो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आइडिया आएगा ये सारे के सारे फूड कहलाते हैं यानी हमारे लिए गुजा है और इसी चैप्टर में हमें इसके फूड में क्या क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स यानी एक कोई डिजायर्ड क्वालिटेड टेस्ट हासिल करने के लिए एक फूड सिस्टम में क्या क्या आइज़ा मिलाए जाते हैं उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं इंग्रेडिएंट्स ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें इस सबक में सीखनो, सीखने को मिलेंगे इंग्रेडिएंट ए फूड इज अनी सब्सटेंस दैट इज एडिड टू ए फूड टू अचीव एट डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें या पिक्चर्स इसमें लगाई है ऐड की है ताकि आपको कहने और सुनने से ज़्यादा आंखों दे के चीज़ों से ज़्यादा समझ आ, आ, आता है इसलिए मैंने ये चीज़ें पिक्चर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है आप समझ पाओगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में यानी जब हम अपने किचन में कोई चीज़ पकाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका सालन बनता है या दाल बनती है तो क्या वो डायरेक्ट दाल जो होते हैं जो आप दुकान से दाल लाते हैं वही पानी में डाल के खाते हैं नहीं उसको कोई टेस्ट देने के लिए जो आप चाहते हो वो चीजें डालते हैं उसमें नमक हल्दी लाल मिर्च और बाकी चीजें जो जरूरत होती है अपने हिसाब से हम डालते हैं इन सब चीजों को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं और तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो सारी चीजें होती हैं, जिससे हमें कोई डिजायर्ड इफेक्ट इस खाने में मिलता है इसको इंग्रेडिएंट कहते हैं तो बच्चों अब हम जान जानना चाहेंगे कि हम जो ये फूड खाते हैं ये किस जराए से हमें हासिल होते हैं यानी इनका सोर्स क्या है मैनली दो सोर्स होते हैं वन इज प्लांट प्रोडक्ट एंड अनदर इज एनिमल प्रोडक्ट यानी कुछ गुजाए हमें प्लांट से मिलते हैं जो प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम प्लांट सोर्सेस कहते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स कहते हैं और जो एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल प्रोडक्ट्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उनमें आते हैं सीरियल्स पल्सिस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपको पता है जितने भी सीरियल्स हैं फॉर एग्जाम्पल वेट मेज एंड राइस ये पता है हमें क्या प्लांट से हमें मिलते हैं और पालसेस जितनी भी दालें हैं वो कहां से हासिल करते हैं यस प्लांट से और वेजिटेबल्स आप जितनी भी सब्जियां खाते हो वो आप सबको पता है ये प्लांट से मिलते हैं और फ्रूट्स और इसी तरह कुछ प्रोडक्ट कुछ फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे कि मिल्क गाय बकरी या भैंस से मिलता है या एनिमल से मिलता है मीट एग्स एंड होनी नाउ वी कैन से हम जो गुजा खाते हैं उसमें प्लांट्स प्रोडक्ट्स या प्लांट्स के पार्ट्स भी होते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी होते हैं तो हमने अब आपके लिए एक चार्ट चार्ट बनाया है चार्ट आप है आप से देखिए पहला कॉलम जो फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स आपको वो वाला मैंने एक भर के रखा है और दो आपको भरने फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम विद प्लांट एस मेजर सोर्स आपको वो वाला फूड आइटम बनाना है जिसमें लिखना है जिसमें ज्यादातर प्लांट सोर्स से हमें मिलता है ज्यादा हिस्सा प्लांट सोर्स से हमें मिलता है फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रिंजल करी पहला आइटम लिखा है यानी बैंगन की सब्जी और इंग्रेडिएंट्स यानी जो आइज़ा हम इफ़ेक्ट बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स क्या है या सोर्स क्या है ब्रिंजल यानी बैंगन चिल्ली एंड स्पाइस अदर यानी और भी कोई चीजें यानी हल्दी भी है यानी टर्मरिक नमक ऐसी चीजें ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट जो तेल हम डालते हैं मस्टर्ड का भी हो सकता है सोयाबीन का हो सकता है कोई भी प्लांट सोर्स यानी जो प्लांट से हमें मिलता है एंड थर्ड कॉलम जो है प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट प्लांट का वो हिस्सा लिखना है जो हमें ये इंग्रेडिएंट देता है फॉर एग्जांपल हमने इंग्रेडिएंट इसमें लिखा है ब्रिंजल यहां पे आप देख सकते हो ब्रिंजल और ब्रिंजल क्या है इस प्लांट का फ्रूट है ब्रिंजल प्लांट का कौन सा हिस्सा है ब्रिंजल एड इस फ्रूट इसी तरह चिल्ली जो हमने इसमें डाला यानी मिर्च वो क्या है वो भी चिल्ली प्लांट का फ्रूट एंड ऑयल जो हमने इसमें डाला है सरसों का ऑयल हम ज्यादा यहाँ इस्तेमाल करते हैं सोयाबीन का ऑयल भी, भी इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है सीड तो इसी तरह आपको ये अच्छी तरह समझने के लिए दो चार और आइटम्स यहां पे लिखने हैं और इनके इंग्रेडिएंट्स और प्लांट पार्ट्स भी इसमें राइट अप करने हैं तो अब हम जानेंगे कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है यहां पे पहले वाली तस्वीर में आप देख सकते हो प्लांट पार्ट मूंग थर दाल बीनस सोयाबीन पीज ये जो सारे हैं, ये सारे प्लांट पार्ट्स है और इस वाली तस्वीर में जो मैंने अभी हाईलाइट की है इसमें आप देख सकते हो एनिमल प्रोडक्ट्स जो हम एज फूड इस्तेमाल करते हैं मीट फिश पनीर एग और मिल्क ये सारे हैं जो हम फूड स्टेप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी अब हम जान चुके हैं कि फूड या तो हम एनिमल से हासिल करते हैं या प्लांट से यानी दो ही सोर्स है इट इज प्लांट सोर्स सोर्स और एनिमल तो प्यारे बच्चों आपने समझा है पढ़ा है कि जो हम फूड खाते हैं वो या तो प्लांट सोर्स से मिलता है या एनिमल सोर्स से अब जो प्लांट सोर्स अब हम इसमें कुछ और टर्म्स जो इस लेसन में आई है वो भी यहाँ करेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे हर्बिवर्स, कार्निवर्स एंड ओमिवर्स हर्बिवर्स क्या होते हैं एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बर्स यानी वो जान जो वो जानवर वो एनिमल्स जो खाली प्लांट्स खाते हैं यानी प्लांट्स के बगैर वो कुछ नहीं खाते हैं फॉर एग्जाम्पल जीब्रा रैबिट काउ जरैप एलिफेंट ये खाली घास खाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं। और इसके साथ ही दूसरी किस्म के जानवर होते हैं जो फ्लैश खाते हैं यानी दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं और वो घास नहीं खाते हैं इन्हें हैं हम कार्निवर्स कहते हैं कार्निवर्स क्या होते हैं इनकी डिफिनेशन एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स या हम कहते हैं दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स गोष्ठ खाने गोश्ट खोर जिनको बोलते हैं खोर जानवर पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ये सारे जानवर्स ये सारे जो जानवर है ये सारे कार्निवर्स कहलाते हैं यानी ये प्लांट्स नहीं खाते हैं खाली एनिमल्स खाते हैं एनिमल्स का गोश्त खाते हैं फ्लैश खाते हैं और इसी तरह तीसरी कैटेगरी है ओमनिवर्स ओमनिवर्स क्या होते हैं जो हर्बिवर्स भी होते हैं और कार्निवर्स यानी कार्निवर्स भी होते हैं यानी वो प्लांट्स भी खाते हैं और वो एनिमल्स भी खाते हैं खाते हैं और एनिमल्स भी खाते है यानी प्लाट प्रोडक्ट भी एनिमल प्रोडक्ट्स भी ओमनिवर्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर एग्जाम्पल यहां आप अच्छी तरह समझ सकते हो जो पिक्चर में दिखाई देता है आपको ये प्लांट भी खाते हैं और ये एनिमल का एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं ये सारे इसमें हम इंसान भी आते हैं सब्जी भी खाते हैं और हम गोश्त भी खाते हैं हेन भी आती है बियर भी आता है और वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए ये हम यहाँ पे आपसे इजाजत लेंगे शुक्रिया उम्मीद है आपको समझ आया होगा आइंदा भी हमारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा हमारी यूट्यूब चैनल नीचे लिखी होगी शौकत शांस ई लर्निंग शौकत शांस लर्निंग हब यहाँ पे क्लिक करना होगा यूट्यूब पे जब आप ये वीडियो देखोगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद वीडियोज़ मिलेंगे थैंक यू फी अमान ला